ऐसी ही एक खबर राजस्थान के उदयपुर से भी आई थी, जहां एक महिला ने आरोप लगाया, लड़की ने आरोप लगाया कि उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई और इसमें लड़के का परिवार भी इस पूरे मामले में शामिल था। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या है ये पूरा मामला और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, 30 मई को जब पीड़िता के पास जो कॉल आया आसिफ भुट्टो का, उसने कहा कि तेरे भी साक्षी जैसे टुकड़े टुकड़े करके तेरी माँ को सौंप दूंगा। जब ये सुना तो उसकी रूह भी कांप गई और वो अंबा माता थाने पहुंची और अंबा माता थाने में उसने मुकदमा दर्ज कराया। जिस हॉस्टल के अंदर पीड़िता रहती थी उसके अंदर बेसमेंट थे और बेसमेंट के अंदर एक पार्किंग थी और पार्किंग में जो आसिफ था उसने अपना नाम आशु बताया और जब उसको पता चला कि ये आशु नहीं ये आसिफ है तो उसने इस जबरन उसने धर्म परिवर्तन करके शादी और दबाव धर्म परिवर्तन करने के साथ में शादी के लिए उसके जबरन किया जी। उसके जब पिता को और उसके भाई को भी जब पीड़िता ने कहा कि ये जबरन इस तरीके से किया जा रहा है मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि जैसा वो कह रहा है वैसा करना होगा, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है। तब वो अम्बा माता जो थाना है वहां पहुंची, उन्होंने इसमें इस मामले के अंदर और खबर आ रही है दीपक की आरोपी के पिता और भाई को भी गिरफ्तार किया गया है और आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों का भी हंगामा हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है क्योंकि काफी तनाव है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। Z News।